हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने ये करवा चौथ मेकअप लुक क्रिएट किया है, मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ करवा चौथ मेकअप लुक। तो करवा चौथ होने वाला है, तो बहुत ही कम प्रोडक्ट में मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। कैसा लग रहा है ये मेकअप लुक आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है क्रिएट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लैक्मे का टोनर लिया है, तो टोनर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। फेस को क्लीन करके यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, कोई देखता नहीं है। तो मैंने यहाँ मामा अर्थ का एक्वा जेल मॉइस्चराइजर यूज़ किया है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो स्किन बहुत ड्राई हो रही है। तो आप कोई जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वो जो हैं कोई फेशियल ऑयल, अच्छा सा ऑयल युक्त मॉइस्चराइज़र यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने लोटस का इको स्टे इंस्टा ब्लेंड 5-in-1 क्रीम कॉम्पैक्ट लिया है, SPF 20 के साथ है। ये कंसीलर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट सभी का काम करता है। तो इसकी कवरेज आप देख सकते हैं, बहुत ही लाइट है, डेली पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको कंसीलर की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कॉम्पैक्ट की बहुत ज़रूरत है। यहाँ मैं नीबिया का लिप बाम ले रही हूँ, तो ना मैं कंसीलर का यूज कर रही हूँ, ना कॉम्पैक्ट का, ना कोई फाउंडेशन का। ये 5-in-1 है। अब मैं मिस क्लियर के आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ। यहाँ मैं आई मेकअप कर रही हूँ। यहाँ मैंने ब्राउन शेड लिया है और अपने क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से, जब तक कलर अच्छा ना आ जाए। तो मैंने हल्का सा ब्लैक कलर लिया है और आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड करते हुए इनर कॉर्नर तक ले जा रही हूँ। अब मैंने क्रीम कलर लिया है, उसे मैं ब्राउन कलर के ऊपर अप्लाई किया है। अब मैं सिमरी कलर है, सिमर कलर, उसे लिट पे लगा रही हूँ और ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। पता नहीं कितनी प्रॉब्लम होती है मुझे बोलने में। और यहाँ मैं ब्राउन कलर लेकर लोअर लैश पर स्मच कर रही हूँ, स्मोकी इफ़ेक्ट देने के लिए आईज़ को। मैं लाइनर लगा रही हूँ, ये मेबलिन का है पेन लाइनर। तो मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है और ये मेबलिन का मस्कारा है। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा को अपर और लोअर लैश दोनों पर अच्छे से अप्लाई करना चाहिए। अब मैं ये के ब्यूटी का कूल काजल है यूज़ कर रही हूँ, काजल लगा रही हूँ। और फॉल्स लैसेस मैंने लगा लिए हैं, ये नायका की फॉल्स लैसेस हैं। ये के ब्यूटी का कॉन्टोर पेंसिल है कह सकते हैं आप, इससे मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। टूट के निकल गया, तो मैं इसे फिंगर की मदद से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कॉन्टोरिंग करने से हमारे फेस में एक शेप आ जाता है और चेहरा एकदम वाइट वाइट नहीं दिखता है। अब मैं शुगर का ब्लश ले रही हूँ, ब्लश मैं को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही पिगमेंटेड है, थोड़ा सा लिया। और ये मेबलिन का मास्टर बूम, क्या कहते हैं, हाइलाइटर है,
हाइलाइटर अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है, फोरहेड पे, नोज़ पे, क्यूपिड बो पे, चिन पे और ब्रो बोन के नीचे। अब मेकअप को फिक्स कर लूँगी। यहाँ मैं मैक की रूबी वू लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। आज मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, मैं जल्दी रेड कलर नहीं लगाती। सो मैं अब यहाँ अपने अपनी सिंपल सी ऐसी हेयर स्टाइल बना लूँगी। मुझे हेयर स्टाइल ने वगैरह नहीं आता ज़्यादा। तो ऐसे ही आगे बाल छोड़कर पीछे के बाल ले जाकर पिनअप कर लूँगी। टिकटॉक पिन से बाल को रोल करते हुए अपने हेयर्स को से पीछे ले जाकर इसे भी पिनअप कर लूँगी। तो मैंने लगा लिया है सिंदूर, अब लगा रही हूँ मांग टीका। तो यहाँ मैंने पहन ली है ज्वेलरी और ये है मेरा फाइनल लुक। तो सॉरी, यहाँ मैं बिंदी भूल गई थी लगाना, भुलक्कड़ हूँ, मैंने बिंदी लगा ली, भुलक्कड़ नंबर 1। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो प्लीज़, अच्छा लगा हो मेकअप लुक तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय।